अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। जैनब समेत कसूर में मसली जाने वाली 8 नन्ही कलियों को इंसाफ मिल गया। मासूम बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को फांसी। इमरान अली को कोर्ट लखपत जेल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तख्ताएदार पर लटकाया गया। मुजरिम को 21 बार सजाए मौत सुना दी गई। देखो जी, मैं मुतमिन हूँ, अब तो मैं खुद सामने उसका इबरतनाक अंजाम देख के आ रहा हूँ। जैनब के वालिद ने बेटी के मुजरिम को सूली चढ़ते आंखों से देखा। मोहम्मद अमीन इंसाफ मिलने पर मुतमईन, कहा चौराहे पर लटकाया जाता तो मुजरिम निशान इबरत बनता। दरिंदों को सरेआम फांसी के लिए पार्लियामेंट पर दबाव डालेंगे। ओपोजिशन में गरजने वाले इक्तदार में आते ही खामोश। पीटीआई रहनुमा मुजरिमों को सरेआम फांसी देने के अपने मुतालबे भूल गए। गुज़िश्ता साल 3455 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिनसे इस साल के 85% वाकयात रिपोर्ट ही नहीं हुए। पर बिल्कुल कोई शर्मिंदगी या खौफ नहीं था कि मुझे फांसी दी जा रही है। वो मैं तो बड़ा देख के मजीद परेशान हुआ कि इस तरह का ये दरिंदा था कि उसको अभी भी जब के पता चल रहा था कि मुझे फांसी दी जा रही है, उसके चेहरे पर बिल्कुल मामूली रत्ती भर। कसूर के शहरी बेकसूर बच्चियों के कातिल के अंजाम पर खुश। फांसी से पहले जैनब के वालिदैन ने मुजरिम की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। तख्तादार पर इमरान की आंखों में खौफ नहीं था। जाबते की कार्रवाई के बाद लाश वरसा के सपुर्द। सानिहा मॉरल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ मिलने की उम्मीद फिर रोशन। 73 शहरियों पर फायरिंग के वाकये में मुलविस पुलिस अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। डीएसपी समेत 116 एहलकार लाइन हाजिर, 4 एसपी को ट्रांसफर हो चुका। ओपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज। नैब हुकाम शहबाज शरीफ को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। नून लीग ने ऐवान में एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। हुकूमत भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने को तैयार। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हंगामा, आराई महंगी पड़ गई। माइक कुर्सी और डाइस का तैया पांचा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन। 6 एमपीएस के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत की कफायतशारी मुहिम, वजीर आजम हाउस में 49 गाड़ियों की 1 घंटे बाद नीलामी होगी। 2 बम प्रूफ गाड़ियां भी शामिल। एफपीआर गाड़ियों की निगरानी के अमल की निगरानी करेगी। एसएसपी तशद्दुद पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस ने वजीर आजम की बरियत चैलेंज। इमरान खान के खिलाफ विफाक की अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी डिवीजन बेंच आज समाप्त करेगा। कब्जा माफिया का सरगना मंशा बम लाहौर पुलिस की तहवील में मौजूद। 82 मुकदमात में नामजद मुलजिम को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। मंशा बम में 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर गिरफ्तारी दी थी। आबिद बॉक्सर 5 मुकदमात में क्लियर करार, पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मुकदमात में दरखास्त जमानत वापस ले ली। मुलजिम की अदालत पेशी अबूरी जमानत में 29 अक्टूबर तक की तौसी। हविस ने मसीहा को अंधा कर दिया। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खां में डॉक्टर की नर्स से ज्यादती की कोशिश। मुतासरा खातून की एमएस को दरख्वास्त। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वाकये के खिलाफ नर्सों का एहतजाज। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1,00,000 सऊदी रियाल बरामद। एएसएफ ने मुलजिम को कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया। कराची के इलाके गार्डन में खस्ता हाल मकान की छत मुनहदे। मलबा गिरने से मां और बेटा जख्मी। चौथी मंजिल पर बने कमरे की छत निचली मंजिल पर गिरी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
हुकूमत का बिजली महंगी करने का इरादा मलबा नून लीग पर धर दिया। नवाज दौर के तमाम बिजली मंसूबों का ऑडिट होगा, फवाद चौधरी का ऐलान। मसाइल के हल के लिए वक्त मांग लिया, बोले ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत को मुखालिफिन ने भी तस्लीम किया। हम हाजिर हैं, नून लीग का बिजली मंसूबों के ऑडिट का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ का मुआहदे कौमी असम्बली में लाने का चैलेंज। मुफ्ता इस्माइल बोले ऑडिट गैर जानबदार और आजाद माहरीन से कराएं। पीटीआई भी अपने 300 मंसूबों का हिसाब दे। बेमौसम बरसते गालों ने मुश्किल में डाल दिया काखान में कबल अस वक्त बर्फबारी से सयाह और मकामी अफराद महसूस। 60 पुलिस एहलकार भी चौकियों में फंस गए, आज रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। FATF वफ्द के पाकिस्तान से मुज़ाकरात दूसरा तौर। एशिया पैसिफिक ग्रुप के वज़ारत खारजा, स्टेट बैंक और नैब के हुकाम से मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग की रोकथाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मदद के बगैर अलकायदा को शिकस्त नामुमकिन थी, तर्जुमान पाक फौज का लंदन में यूनिवर्सिटी से खिताब। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्द पसपा हो गए, ख्वाहिश है अमरीका मुकम्मल अम तक अफगानिस्तान में रहे। 12 ईरानी सरहदी मुहाफिजों का अगवा, पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक ईरान DGMOs में राबता हुआ है, दोनों ममालिक सरहदी मुहाफिजों की तलाश में तआवुन कर रहे हैं। हर मौसू पर वीडियोस फराहम करने वाली YouTube की बंदिश के बाद बहाली। अमरीका और यूरोप समेत दुनिया भर में सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा, YouTube डाउन, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। तुर्की में सऊदी सहाफी की गुमशुदगी का मामला हल न हुआ, खुशोगी की लाश के टुकड़े किए गए, अमरीकी मीडिया का दावा। सऊदी अरब मुलजिमों को पकड़ना चाहता है, अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मुखालफत काम न आई, फलस्तीन अकवामी मुत्तहिदा की अहम बॉडी का सरबराह बन गया। ग्रुप ऑफ 77 के सरबराह के लिए वोटिंग में फलस्तीन को भारी अक्सरियत मिली। वॉशिंगटन की हर धर्मी बरकरार, फलस्तीन को रियासत मानने से इनकार। गरीब नहीं गुर्बत मिटाओ, दुनिया को खुशहाल बनाओ, आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, हंगामी इकदामात वक्त की अशद जरूरत। अबूजबी टेस्ट मजीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjh-news.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।